वेलकम बैक टू माय चैनल शायरी विद कशिश। ये एक परफ्यूम कलेक्शन वीडियो होने जा रही है, तो मेरे पास जो परफ्यूम्स अवेलेबल है मैं उन्हें दिखाने जा रही हूँ कि ये परफ्यूम्स कैसे हैं, मुझे ये कितने पसंद हैं और इनमें से कौन सी मैं दोबारा परचेज करने वाली हूँ, कौन सी नहीं परचेज करने वाली हूँ। और इनकी ना एक डिटेल वीडियो भी मैंने अपने इन सारे परफ्यूम्स की डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको जाके वहां से भी देख सकते हैं। बट ये पूरा मेरा जो एंटायर कलेक्शन है इस वीडियो में मैं वो शो करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने इसको सेट कर रखा है, जस्ट वेट कि मैंने ना सारे परफ्यूम्स एक ट्रे में इस तरीके से लगा दिए ना। वैसे ये कॉस्टली है तो अगर टूट गए ना तो काफी पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ये परफ्यूम्स मैंने इस तरह लगा दिया। अब मैं वन बाय वन इन परफ्यूम्स के बारे में बताने जा रही हूँ और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले ये कैरोलिना हेरेरा, ये परफ्यूम मुझे बहुत 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 पसंद है। और इस परफ्यूम की पैकेजिंग ना कुछ इस तरीके से होती है, तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। ये कुछ 7000 या 8000 का था, ये 50 ml है, ये 50 ml की बॉटल है और 7000 से 8000 के बीच में था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस अभी नहीं याद है। और ये जो इसकी स्मेल है ना वो ट्यूब रोज पर बेस्ड है, जिनको ट्यूब रोज की स्मेल पसंद हो ना उनको ये परफ्यूम जरूर पसंद आएगा, तो जिनको ट्यूब रोज की स्मेल पसंद हो वो इस परफ्यूम को बाय कर सकते हैं। मैंने इस परफ्यूम को लगभग इतना खत्म कर दिया है और ये बॉटल ना ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट दिखता है कि कहाँ पर है। और ये इंडिया में समर्स में नाइट टाइम के लिए बहुत परफेक्ट परफ्यूम हो सकता है, तो जिनको इस तरीके का परफ्यूम बाय करना हो वो बाय कर सकते हैं। ये जितने भी परफ्यूम यहाँ पे रखे हुए हैं उनमें से ये मेरा एक सबसे फेवरेट परफ्यूम है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसकी बॉटल आप अगर ऐसे कहीं पर सजा के रख देते हैं ना इस तरीके से तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसकी पैकेजिंग और ये परफ्यूम। अब दूसरा मेरे पास ये काइली का परफ्यूम है, ये काइली का सिट्रस 08। इसकी जो ये भी ऊपर से एक तरीके के इसमें कार्डबोर्ड की पैकेजिंग थी, जिस तरह से कार्डबोर्ड की ये पैकेजिंग है इसके ऊपर भी थी, और ये 24 या 2200 का था। और देखो ये मुझे इतना ज्यादा पसंद था ना कि मैंने सिर्फ इतना इसमें बचाया और बाकी ये पूरा खत्म हो गया है। ये इतनी छोटी सी बॉटल ये 2200 की थी, इसकी जो फुल साइज 50 ml की बॉटल है वो 10000 के आसपास की है, तो मैंने इसलिए उसको नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ी कॉस्टली लग रही थी। इस परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी है, जिनको सिट्रस जैसे कैरोलिना हेरेरा ये फ्लावर पर बेस्ड है बट ये ना सिट्रस परफ्यूम है, तो जिनको सिट्रस परफ्यूम पसंद हो वो इस परफ्यूम को बाय कर सकते हैं। ये परफ्यूम बहुत अच्छा है बट इसके साथ ना एक ड्रॉबैक है कि ये परफ्यूम ना बहुत ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता है, आपको इसे ना रीअप्लाई करना पड़ेगा। रीअप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 2 आवर तक लास्ट करता है, फिर इसकी स्मेल फेड हो जाती है। स्मेल बहुत अच्छी है, आपको बहुत ऐसे डिसेंट सी खुशबू आएगी, सिट्रस में भी बहुत डिसेंट सी स्मेल है, बट इसको आपको अगर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक चलाना है तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी सी स्मेल रह जाती है बट एक जो इसकी ओरिजिनल स्मेल है ना उसके लिए आपको इसे बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है, तो इसके साथ ये इशू है। अदरवाइज मुझे ना इसकी स्मेल बहुत 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 पसंद है, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास काइली की और पैकेजिंग में भी अवेलेबल है छोटे वाले, तो उनकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई बट ये फुल वीडियो है तो फुल में ये वाला अवेलेबल है। अब ये तीसरा परफ्यूम है टॉम फोर्ड का। ये परफ्यूम यूनिसेक्स है, इसको बॉयज या मेंस भी लगा सकते हैं और इसको फीमेल्स भी लगा सकते हैं, बट ये परफ्यूम बहुत हार्ड है, बहुत 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 ज्यादा हार्ड है, ये परफ्यूम बहुत हार्ड है, ये टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड। और इसकी जो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको देखना चाह रही हूँ कि 10 ml की बॉटल है, ये 10 ml की बॉटल है, ये 2500 की थी, तो ये 10 ml की बॉटल 2500 की। इसकी पैकेजिंग बहुत क्लासी है और बहुत स्टडी है बट इसकी स्मेल ना बहुत हार्ड है, तो जिनको हार्ड स्मेल पसंद हो वो इनको बाय कर सकते हैं। मैंने इसको लगाया तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया बट मैं जब कहीं गई तो लोगों को ये परफ्यूम उतना पसंद नहीं आया, तो ये मैं थोड़ा सा कहूंगी कि आप इसको स्मेल करके उसके बाद ही खरीदें। ये परफ्यूम ब्लाइंड बाय है, जिनको फ्लावर की स्मेल पसंद है उनको ये परफ्यूम जरूर पसंद आएगा।
उसी तरीके से जिनको सिट्रस परफ्यूम पसंद है उनको ये परफ्यूम जरूर पसंद आएगा। बट ये परफ्यूम थोड़ा सा आप ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते हैं, आप इसको पहले कहीं पर स्मेल करिए, आप शो इसके जो शॉप्स होते हैं शोरूम्स होते हैं उनमें जाके स्मेल कीजिए, इसके स्मेल को डेवलप कीजिए। लाइक अगर आपने स्प्रे कर दिया, आप हाफ एन आवर 1 आवर तक मॉल में घूमिए या जहां पर भी शोरूम है वहां पर घूमिए, फिर आपको समझ में आएगा आपको ये परफ्यूम बाय करना है या नहीं। मुझे ये परफ्यूम पसंद आया और नाइट, वैसे ये परफ्यूम डे टाइम के लिए नहीं है, नाइट टाइम के लिए ये परफ्यूम है और ये यूनिसेक्स परफ्यूम है। सबसे अच्छी बात है ये यूनिसेक्स परफ्यूम। तो मेरा ये परफ्यूम। इसके बाद मेरा फोर्थ नंबर पे मेरे पास ये परफ्यूम कह सकते हैं या फिर इसको ऐसा सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं आप, ये विक्टोरिया सीक्रेट का है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया बट मैंने इस पता नहीं क्यों इस हॉल मतलब इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर लिया। ये इसकी ना स्मेल वैसे तो ये एक्वा किस है तो ये समर्स के लिए है बट ये स्मेल इसमें कुछ अजीब सी स्मेल आती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो स्मेल किस चीज की होती है। बट ये कई बार जब मैं परफ्यूम स्मेल नाक से बता सकती हूँ कि ये मुझे मतलब कोई भी ये वीडियो देखेगा ना तो बता सकता है कि इस इंसान को ये परफ्यूम पसंद नहीं आ रहा है, अजीब सी इसकी स्मेल है एक्वा किस। अगर किसी को ये पसंद आता हो तो मुझे पता है कि ये परफ्यूम या ये स्प्रे जो है क्यों पसंद आता है आप लोगों को, बट ये परफ्यूम है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख सकते हैं ये खत्म भी नहीं हुआ है, ऊपर ही है, इसको ऐसे ही स्प्रे कर करके मैं खत्म करूंगी। और ये कुछ ये 1300 का था, 1295 रुपीज। विक्टोरिया सीक्रेट बॉडी मिस्ट है, हाँ सॉरी परफ्यूम मतलब बॉडी मिस्ट है ये, और इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई तो मुझे इसके ना मेरे पैसे बर्बाद चले गए। कलेक्शन में मैंने रख लिया है कि मेरे पास है बट इसके पैसे ना बर्बाद चले गए। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट परफ्यूम वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल। ये इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और ये ऐसा ना डायमंड की तरह ओपन होता है। इसकी स्मेल बहुत सूदिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है और ये समर्स के लिए बहुत परफेक्ट परफ्यूम होने वाला है, मतलब आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं इसको स्प्रे करती हूँ। इसकी ना एक रिफ्रेशिंग सी स्मेल होती है तो आप इस परफ्यूम को बाय कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है विक्टोरिया सीक्रेट नाइट टाइम के लिए और डे टाइम के लिए, सॉरी विक्टोरिया सीक्रेट नहीं सॉरी कैरोलिना हरारा डे टाइम के लिए और विक्टोरिया सीक्रेट सॉरी वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल नाइट टाइम के लिए, ये दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट परफ्यूम है। और विक्टोरिया सीक्रेट तो मुझे बिल्कुल ये नहीं पसंद है, बाकी तो मैंने ट्राई नहीं किया है। और काइली का ये सिट्रस परफ्यूम ये मुझे पसंद तो बहुत ज्यादा है बट इसके साथ इश्यू ये है कि ये फेड हो जाता है। तो अगर इतने परफ्यूम्स में से मेरे फेवरेट परफ्यूम्स की बात की जाए तो ये तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। ये कॉस्टली है इस हिसाब से क्योंकि ये फेड हो जाता है, तो नाइट टाइम के लिए ये परफ्यूम बेस्ट है, डे टाइम के लिए समर्स में ये परफ्यूम बेस्ट है। तो आप इनमें से अगर कोई परफ्यूम बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल या विक्टोरिया सीक्रेट खरीदें तो आपके पैसे आपको बिल्कुल नहीं सॉरी कैरोलिना हरारा खरीदें तो आपके पैसे बिल्कुल भी ये नहीं लगेंगे कि वेस्ट हो गए। काइली में आपको लग सकते हैं क्योंकि इसकी स्मेल फेड हो जाती है। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल शाइन विद कशेश।